हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं रॉयल फालूदा। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है, हेल्दी है, एज वेल एज बहुत ज़्यादा फेमस भी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसके लिए जेली। तो मैं यहाँ पे ये पैकेट यूज़ कर रही हूँ, इससे हम बनाएंगे जेली। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ। हमें 1/2 लीटर पानी लेना होता है, तो इसलिए मैं 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ। ये 250 ml वाला 1 कप है। अब मैं इसे बॉईल होने रख रही हूँ। अब मैं पैकेट को ओपन की हूँ। पैकेट ओपन करने के बाद इसके अंदर इस तरीके का एक छोटा सा पाउच भी होता है। इन दोनों को हम ओपन करके बाउल में डालेंगे। तो अभी मैंने लिया है एक बाउल, बाउल में मैं डाल रही हूँ इस पाउडर को। फिर उसके बाद हम लोग पैकेट को भी ओपन करके इसी में डालेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा दरदरा दिख रहा होगा, इसको हमें स्पून से अच्छे से मैश करना है, क्योंकि पानी डालने के बाद ये ठीक से मिक्स नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी डालने के पहले इसको एकदम अच्छे से इस तरीके से बारीक करना है, मैश करना है। अब ये अच्छे से मैश हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे जिसे बॉईल होने रख दिया था। पानी अच्छे से बॉईल हो गया, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी गुटली या लम्स ना हो। और आप चाहो तो इस बाउल को इसी तरीके से सेट होने रख सकते हो, उसके बाद इसके पीसेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। बट इसको मैं जो चॉकलेट वाला ट्रे है उसमें डाल के सेट होने रख दे रही हूँ, ताकि हमें फालूदा में डालने में इजी हो। आप चाहो तो छोटे छोटे बाउल्स में भी डाल सकते हो, या इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, या डायरेक्टली ये बड़ा वाला बाउल ऐसे भी रख सकते हो। तो मैंने पहले चॉकलेट वाले बाउल में डाला, उसके बाद इस तरीके से मैं इन 2 बाउल में डालकर इसे सेट होने के लिए 45 मिनट्स के लिए रख दे रही हूँ। अभी मैंने दूध बॉईल होने रख दिया, उसके बाद इसमें मैंने 1.5 टीस्पून जितना शुगर डाला है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। उसके बाद मिक्स करके इसे गाढ़ा होते तक हम अच्छे से पकने देंगे। अब मैंने इसे अराउंड 10 मिनट तक पकाया। अब इसे मैं ठंडा होने रख दे रही हूँ। अभी मैंने एक और पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है पानी और 1 टीस्पून जितना शुगर। उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे ये नॉर्मल वाले सेव यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम लोग सेवैया या खीर बनाते हैं। आप चाहो तो फालूदा वाला जो सेव मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब पानी में जैसे बॉईल आया, उसके बाद मैंने इसमें डाला है सेव और इसको अच्छे से मिक्स करके 1 या 2 मिनट, या तब तक जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता है। अब 2 मिनट हो गया है। 2 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। अब मैं इसको निकाल कर एक स्ट्रेनर में डाल रही हूँ। डालकर अब मैं इसे रख रही हूँ साइड में। अभी मैंने एक और बाउल लिया, इसमें मैं डाल रही हूँ सब्जा। सब्जा 2 टीस्पून है, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। ये फुल के दुगना हो जाता है और एक जेली फॉर्म में ये बदल जाता है। अब मैं इसको मिक्स करके 5 मिनट या 10 मिनट में ये दुगना हो जाएगा, इसको मैं रख रही हूँ साइड में। उसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं चॉप कर लूँगी, और कुछ फ्रेश फ्रूट्स है। यहाँ पे मैंने सीजनल फ्रूट्स लिए, आपको जो पसंद है या जो अवेलेबल है उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये है रूह अफ़ज़ा। अब मैंने एक लिया है ग्लास। ग्लास में पहले मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा, आप चाहो तो रोज़ सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से डालकर मैं ग्लास को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सब्जा। सब्जा आप देख सकते हैं फुल के दुगना हो गया। मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ मैंगो और पपीता। जैसे कि मैंने बताया है, आप फ्रूट्स अपने चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बनाना। बनाना डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉईल किए हुए सेवैया। सेवैया आप मार्केट में जो फालूदा सेव मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। दूध को मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया था। अब दूध डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जेली। जेली कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें सब्जा रख रही हूँ, डाल रही हूँ। डालने के बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा टूटी फ्रूटी। डालने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैं रॉयल फालूदा बना रही हूँ, इसलिए मैं फ्रूट्स का यूज़ कर रही हूँ। आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ 1 स्पून वनीला आइसक्रीम। ये होममेड आइसक्रीम है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, चाहो तो आप चेक कर लेना। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा और रूह अफ़ज़ा और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक चेरी। बस हमारा रॉयल फालूदा बनके रेडी है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।